गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग गाइज़? मेरे पास में ये रिक्वेस्ट आई थी कि आपने नॉच पिन तो दिखाई है, लेकिन इसके साथ में जो आपका नथ यानी जो नथिया बोलते हैं उसको वो भी दिखाना और प्लस मांग टिक्का भी दिखाना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे पास में रिक्वेस्ट आई तो मैं दोनों दिखा देती हूँ। अभी मैं दोनों लेकर आई हूँ तो मैं दोनों दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं ओपन कर देती हूँ, ओपन करके फिर आप लोगों को वन बाई वन सब दिखाने जा रही हूँ डिटेल में। गाइज मैं ये ओपन कर चुकी हूँ तो देख रहे होंगे आप कि ये मेरा मांग टीका है और ये जो नथ है वो है। तो मैं इनको बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। सबसे पहले बाहर निकाल के रख देती हूँ। ये इस तरीके से है, ये देखिए, ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा। मैंने कैमरा इसी तरीके से सेट किया है कि पूरा साफ नज़र आए। इसका मुझे रेट नहीं पता है क्योंकि मेरी ससुराल की साइड से ही मुझे आया था, तो इसलिए इसका रेट मुझे नहीं पता। अब मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि मैं इसका रेट पूछूं। तो ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ से, और इसका जो चेन है ये इस, ये देखिए अब देखिए आप, ये इस तरीके से है, आप देख रहे होंगे। इसमें फंसाने वाला है यहाँ से इस तरीके से कि आप इसको फंसा सकते हो अपने हेयर में। ये फंसाने के लिए है और ये इसमें यहाँ पर पल्स, ये मोती लगा है, वाइट मोती है विद रेड मोती। ये पूरा गोल्ड का चेन है और ये भी पूरा गोल्ड का है। और ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें डिजाइन बना हुआ है। पीछे से भी ये इस तरीके से है। विद हॉलमार्क्स है। हालांकि ये मैंने करवा चौथ में एक बार यूज़ किया था, शादी में यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इतना खास इसको यूज़ किया ही नहीं है क्योंकि इसको तो इतने ज़्यादा बार नहीं यूज़ कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जो मांग टिक्का है उसको तो मैं कितनी बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब मैं आप लोगों को मांग टिक्का दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मांग टिक्के का जो मेन है ये इस तरीके से बना हुआ है। दोनों का एक ही साथ सेट है, अलग अलग नहीं है। जैसे सेम उसका डिज़ाइन है, सेम ऐसे ही इसका भी है। ये देखिए, ये देखिए, इसको तो मैं कितनी बार यूज कर चुके हूँ। ये देखिए, और जो इसका मांग में जाने वाला ये चेन है ये इस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए, और जो फिर बाल में फंसाने के लिए है वो भी इसमें पिन लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी लंबा है इसका चेन, इस तरीके से बना हुआ है। आप देख रहे होंगे प्रॉपर दिख ही रहा है क्योंकि मैंने कैमरे को इसी तरीके से सेट किया हुआ है कि आपको पूरा दिखे। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन लुक देने वाला है। ये गोल्ड में है और मेरे पास में कुंदन में भी है। जैसे कुंदन ज्वेलरी थी मेरे साथ में, तो मेरे पास में उसका भी है, मांग टिक्का है, इयररिंग है। तो वो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को। ये देखो, दोनों का डिज़ाइन सेम ही है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इनका रेट का मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने अपनी मम्मी को पूछा भी नहीं है क्योंकि ये ससुराल की साइड से आता है। तो मैं मदर इन लॉ को पूछूं कि आपका इनका प्राइस और वेट क्या है तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने पूछा भी नहीं है।
कि मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका ये जो चेन है ये इधर है और मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप लोग लाइक थोड़ा सा कंजूसी में करते हैं। चलो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।